देखो, अगर तुम्हें ग्राफिकल मेथड से किसी एलपीपी का सॉल्यूशन निकालना है तो उसमें दो मेथड्स तुम्हारे पास अवेलेबल हैं। देयर आर टू मेथड्स फॉर सॉल्विंग द ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। जैसे अपने पास जब कभी भी हम लोगों ने किसी एलपीपी के सवाल को लिखा, तब हम लोगों ने हमेशा एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मिनिमाइज़ या फिर मैक्सिमाइज़ करने की बात कही। तो उसे मिनिमाइज़ मैक्सिमाइज़ कैसे करोगे, उसके लिए दो मेथड्स होती हैं। सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स हम लोग किसी ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मिनिमाइज़ या फिर मैक्सिमाइज़ दो तरीक़ों से कर सकते हैं। एक होती है कॉर्नर पॉइंट मेथड और एक होती है आइसो प्रॉफिट या फिर आइसो कॉस्ट मेथड। ठीक, तो बेसिकली हम लोग इस्तेमाल तो कॉर्नर पॉइंट मेथड ही किया करेंगे, बट कॉर्नर पॉइंट मेथड को तुम ज़्यादा एफिशिएंट बना सकते हो अगर तुम्हें आइसो प्रॉफिट आइसो कॉस्ट वाली जो मेथड है ना, वो अगर तुम्हें पता है तो उसमें काम क्विकली हो जाता है। जैसे कॉर्नर पॉइंट मेथड में ऐसा कुछ खास है नहीं। जैसे अगर तुम एक फिजिबल रीजन अगर बना लेते हो, लेट्स से तुमने जितनी भी इनइक्वालिटीज़ तुम्हें दी हुई है उसके करस्पॉन्डिंग जो जो लाइन्स हैं उसको अगर तुमने प्लॉट कर लिया है ग्राफ पेपर पर, लेट्स से ये जैसे ग्राफ पेपर है, ठीक, एंड फर्ज करो तुम्हारे पास इस तरह का कुछ रीजन आ रहा है, ये ऐसा कुछ रीजन आ रहा है, ठीक है, ऐसा कुछ रीजन आ रहा है, ठीक, ये रीजन आ गया। अभी देखो इसमें कॉर्नर के कितने कितने पॉइंट्स बने तुम्हारे पास, उनको अगर मैं नाम दे दूँ कुछ इस प्रकार से दे सकता हूँ, ठीक, ये मेरे पास कॉर्नर के पॉइंट्स बन जाते हैं, पांच पॉइंट्स। तो कॉर्नर पॉइंट मेथड ये कहती है कि कोई भी अगर तुम्हारे पास कन्वेक्स सेट है, कन्वेक्स सेट के बारे में भी थोड़ा सा तुम सुन लो। खैर अभी मैं फ़िलहाल तुम्हें कॉर्नर पॉइंट मेथड बता देता हूँ, ठीक है क्या, उसके बाद बीच में फिर हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे कि कन्वेक्स सेट वगैरह क्या होता है, कैसा क्या टर्मिनोलॉजी है उसकी। तो देखो मुद्दा ऐसा है, जब तुमने फिजिबल रीजन ड्रॉ कर लिया है तो उसके जितने भी कॉर्नर्स बन रहे हैं उनके कोऑर्डिनेट्स तुम निकाल लो। ऐसे यहाँ पर तुम एक्स वन वाई वन एंड सो ऑन सो फोर्थ इस तरह से कोऑर्डिनेट्स तुम निकाल लो, ठीक है। इसको सी कर लेते हैं। अच्छा, कोऑर्डिनेट्स निकालने के बाद हर कोऑर्डिनेट जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन हम लोगों का बना है एक्स और वाई के टर्म्स में बना होगा, जाहिर सी बात है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज एन एक्सप्रेशन इन एक्स एंड वाई। तो कॉर्नर पॉइंट्स को जब तुम उसमें रखोगे, ठीक है, जब तुम ये सारी वैल्यूज ऑब्टेन करोगे, भाई जैसे तुम्हारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन बन के रेडी है, मान लेते कुछ रहेगा ए एक्स प्लस बी वाई टाइप की कोई चीज़ रहेगी, तो उसमें तुम क्या करो, ये सारी वैल्यूज ऑब्टेन कर लो, एक्स वन वाई वन, ठीक है, एंड एक्स टू वाई टू, ये सारी वैल्यूज़ कैसा है ऑब्टेन करो, ठीक। कैसे ऑब्टेन करोगे, वाया सब्स्टिट्यूशन, कुछ नहीं करना है, बस वैल्यूज ही तो सब्स्टिट्यूट करनी है। मतलब जैसे इस चीज़ की वैल्यू मैं कैसे लिख सकता हूँ, दिस विल बी इक्वल टू ए एक्स वन प्लस बी वाई वन, ऐसे। जब तुम्हारे पास सारी वैल्यूज आ जाएंगी है ना, तो इनको लेट से मैं इस तरह से डिनोट कर देता हूँ, है ना, ऐसा कुछ ए बी, ठीक है, सी डी, ऐसा कुछ। तो इन सारी वैल्यूज में से एक्चुअल में कॉर्नर पॉइंट मेथड ये कहती है, जो उसका एसेंस है वो ये है कि भाई इन सारी वैल्यूज में से ही तुम्हारे पास ऑप्टिमल सॉल्यूशन आएगा, मिनिमम या फिर मैक्सिमम विल बी अमंग्स दीज वैल्यूज, ऐसा ये कहती है कॉर्नर पॉइंट मेथड। वैल्यू है ना विल बी अमंगस्ट दीज वैल्यूज। जाहिर सी बात है जब तुम सवाल करोगे इससे रिलेटेड, इस मेथड को जब तुम्हें डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाया जाएगा तब तुम्हारी पकड़ इस पर बेहतर बनेगी। बट अभी भी मैं कुछ मैंने ऐसा कुछ भारी भयंकर नहीं कहा है भाई। जैसे रीजन्स प्लॉट करना तो तुम्हें बहुत अच्छे से आता है प्रायर वीडियोज़ को देखकर, तो उसमें रीजन्स वगैरह सब जब तुम प्लॉट कर लोगे, जब एक कॉमन रीजन आ जाएगा, फिजिबल रीजन आ जाएगा, तो उसमें भाई जैसे मैं अगर इस पॉइंट की अगर बात करता हूँ, तो ये पॉइंट जैसे लेट से मैं इसको ई मार्क कर देता हूँ, तो ये ई पॉइंट मेरे सॉल्यूशन का हिस्सा है कि नहीं है भाई, जितने भी कंस्ट्रेंट्स वगैरह हैं
वो सबको ये ई पॉइंट सेटिस्फाई करेगा, ठीक है, क्योंकि ये फिजिबल रीजन के अंदर लाई कर रहा है, ठीक। पर क्या ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन देगा? कॉर्नर पॉइंट मेथड ये कहती है कि ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं हो सकता, ठीक है। ई पॉइंट है ना, पॉइंट ई सेटिस्फाइज ऑल द कंस्ट्रेंट्स बट विल नॉट गिव ऑप्टिमल सॉल्यूशन, ठीक, ऐसा कॉर्नर पॉइंट मेथड का कहना है। अच्छा, सिमिलरली जितने भी सारे तुम्हारे इनसाइड पॉइंट्स रहेंगे या ये सारे पॉइंट्स भी रहेंगे, ये ई एफ, ठीक, और भी और किसी तरह का पॉइंट, बस ये जी, ठीक है। सिमिलरली एफ जी ऑल्सो विल नॉट गिव ऑप्टिमल सॉल्यूशंस। इसमें पहली बात तो एक ये कि जो जी वाला पॉइंट है वो तो पहली बात कंस्ट्रेंट्स को ही सेटिस्फाई नहीं करेगा, डज नॉट सेटिस्फाई कंस्ट्रेंट्स, है ना, हेंस कांट गिव ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ऑप्टिमल सॉल्यूशन मतलब मिनिमम या फिर मैक्सिमम जिसकी तलाश में हम हैं ना, तो इसकी कुछ ना कुछ मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू रहेगी, उसी को तो तलाशना है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन की कुछ मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू रहेगी, उसी को हम लोग तलाश रहे हैं। हेंस कांट गिव ऑप्टिमल सॉल्यूशन, ठीक है। अच्छा, तो एफ बी तुम्हें नहीं दे सकता, बाहर वाले पॉइंट्स तो ऐसे भी नहीं दे सकते। बचते हैं जो ए बी सी डी पॉइंट्स हैं, द रिमेनिंग पॉइंट्स एक्सेप्ट इनसाइड पॉइंट्स एंड पॉइंट्स 9 और 9 द रिमेनिंग पॉइंट्स, ठीक है, उसको तुम ऐसा लिखो, ठीक, जो कि है कॉर्नर पॉइंट्स, ठीक, विल गिव ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ठीक, मिनिमम हो चाहे मैक्सिमम हो, मिनिमम है ना या फिर मैक्सिमम कहाँ पर लाई करेगा? कॉर्नर्स पर लाई करेगा, ठीक है। ये तुम्हारी जो ये जो स्टेटमेंट है ये आता है कॉर्नर पॉइंट मेथड से, ठीक है। है ना, अच्छा, तो बेसिकली एक कन्वेक्स सेट का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम होता है, और वो थ्योरम को समझना वैसे कोई खासा कठिन काम नहीं है, बहुत ही आसान सी चीज़ है। उसके बारे में थोड़ी सी बातचीत अगर कर ली जाए तो अच्छा रहेगा। देखो क्या है, जैसे अगर तुम्हारे पास एक कन्वेक्स सेट है, ठीक, अच्छा, उसके पहले तुम वो जो आइसो प्रॉफिट आइसो कॉस्ट वाली जो मेथड है ना उसको भी पहले सीख लो, एक बार देख लो, समझ लो क्या वो कहती है, ठीक है, क्या मज़ा आएगी तुम्हें। अच्छा, पहले कॉर्नर पॉइंट मेथड तो समझ गए कैसे करना है। सबसे पहले फिजिबल रीजन बना लो, जितने भी कॉर्नर्स हैं आइडेंटिफाई कर लो, ठीक, क्या होगा इसमें, ड्रॉ फिजिबल रीजन, ठीक है, आइडेंटिफाई कॉर्नर्स फाइंड
द वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन एट ऑल ऑफ दीज कॉर्नर्स मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन will lie will be amongst these values amongst the values found in 3 ठीक है अच्छा ये हो जाती है कॉर्नर पॉइंट मेथड ठीक है तो नाम से ही ऑब्वियसली अपने को पता है कि भाई फिजिबल रीजन में सिर्फ कॉर्नर्स पर अपने को ध्यान देना है और किसी दूसरे पॉइंट पर फोकस नहीं करना है ठीक अच्छा इसके कुछ स्पेशल केसेस भी बनते हैं स्पेशल केसेस को हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे जैसे स्पेशल केस ऐसा भी हो सकता है कि अगर पता चले दो कॉर्नर्स पर तुम्हें समान वैल्यू मिल रही है फिर क्या करोगे या फिर ऐसा भी कुछ हो सकता है कि लेट्स से कोई ऐसा रीजन तुम्हारे पास आ रहा हो जो बाउंडेड ही नहीं है जैसे ये तो बाउंडेड है ना चारों तरफ से ऐसा कोई रीजन आ रहा है जो कैसा अनबाउंडेड है तुम्हारे पास चलता ही जा रहा है चलता ही जा रहा है चलता ही जा रहा है ठीक है इस तरह के जो भी स्पेशल केसेस होंगे हम लोग उसको थोड़ा सा बाद में डिस्कस करेंगे अभी फ़िलहाल हम लोग रेगुलर बिल्कुल बाउंडेड केसेस ही सारे के सारे बाउंडेड फिजिबल रीजन ही डिस्कस कर रहे हैं ठीक अच्छा आगे बढ़ते हैं अब देखो एक दूसरा मेथड भी है दूसरे मेथड में तुम क्या करते हो एक देखो दूसरा मेथड जो है तुम्हारा अच्छा पहले तो मैं इस मेथड के साथ मैं सोच रहा हूँ कि एक इलस्ट्रेशन तुमको कैसा करके दिखाया जाए समझे तब तुम वरना पता चला कि एक इंसान कॉर्नर पॉइंट मेथड में ही ढचका हुआ है ठीक है पहले तुम एक इलस्ट्रेशन कर लो जैसे कि देखो यहाँ पर ये एक सवाल रहा एक फंक्शन को मिनिमाइज़ करना है सॉरी मैक्सिमाइज़ करना है ठीक ये वो फंक्शन है बाकी ये सारी लाइंस हैं ये सारे रीजन्स हैं ये रीजन वन ये रीजन टू ये रीजन थ्री फोर फाइव ठीक है द वी नीड टू फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द फाइव रीजन्स समझे और इस चीज को क्या कहा जाएगा फिजिबल रीजन ठीक अच्छा फिजिबल रीजन निकालने की जो विधि है उसमें सबसे पहले तुम जितनी भी सारी लाइंस इन सारे रीजन से एसोसिएटेड है वो सारी लाइंस को प्लॉट कर लो एंड देन उसके बाद वो कॉमन रीजन अपने आप दिख जाता है तुमको ठीक है तो कौन कौन सी लाइंस है देखो तुम्हारे पास अवेलेबल x बराबर 4, y बराबर 6, x प्लस वाई बराबर 6, है ना इसका मतलब क्या हो गया किस तरह की लाइन है ये ऐसा ठीक है x इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 0, ये सारी लाइंस रहेंगी तुम्हारे पास अच्छा पॉइंट्स x कॉमा वाई ऑन द लाइन कौन कौन से पॉइंट्स रहेंगे भाई
सबसे पहले तो x इक्वल्स टू फोर वाला जो रहेगा, 4,0 तो रहेगा ही रहेगा उस पर, क्या कहते हैं? अच्छा, इसके अलावा 0,6 इस वाली लाइन पर रहेगा, यहाँ पर रहने वाले हैं पॉइंट्स हमारे पास 6,0। इससे क्या लाइंस को प्लॉट करने में आसानी हो जाती है। इस तरह की टेबल अगर तुम बना लो, उसमें दो कॉलम्स रखना, एक तो लाइंस को लेकर और एक तो जो पॉइंट्स उन लाइंस पर लाई कर रहे होंगे। ये हो जाएगा 0,6 एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट वाले फॉर्मेट में, ठीक है। एक्स इक्वल टू जीरो वाली लाइन तो तुम्हारी वाई एक्सिस ही है, ठीक है, और क्या बोलूँ मैं। तो ये दोनों है ना, उसमें फिर अपने को कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। ये टेबल हमेशा बना लेना, कभी भी जब तुम रीजन्स को प्लॉट कर रहे हो, ऑलवेज मेक दिस टेबल। इससे कैसा कॉपी चेकर को बहुत सहूलियत रहती है, हमेशा रीजन्स ड्रॉ करने के पहले इन टेबल को हमेशा बना ले, ठीक है। अच्छा, अब फिजिबल रीजन कैसे बनाओगे? मैं क्योंकि बहुत ही धीरे धीरे काम कर रहा हूँ, वरना ये चीज़ तो ऐसे खटाखट हो सकती है एकदम। एक्स इक्वल्स टू फोर, तो 4,0 वाला जो पॉइंट है, ठीक, ये हो गया अपना कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब जो एक्स इक्वल टू फोर वाली लाइन रहेगी वो कुछ इस प्रकार की रहने वाली है, ठीक। अच्छा, इसके बाद देखो वाई इक्वल टू सिक्स वाली जो लाइन रहेगी वो कुछ इस प्रकार की रहने वाली है, ठीक है। देन 0,6 और 6,0, ठीक है क्या? 0,6, अच्छा यहाँ से वो लाइन निकलेगी और यहाँ पर जाएगी कहीं, ठीक है। क्यों ऐसा? क्योंकि ये जो पॉइंट है, दिस इज 0,6, दिस विल बी 6,0, ठीक। ये हो गया 4,0, और ये लाइन तो है तुम्हारे पास, मतलब ठीक है, ऊपर के और किसी पॉइंट को मार्क करने की क्या ज़रूरत है, सारे कॉर्नर्स को हमेशा मार्क करो, ठीक है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये तो ऐसे ही हो गया, ठीक है। इस पर हटा दो, खैर इस पर क्या मार्क करना पॉइंट्स होगा, ठीक। अच्छा, एक मिनट, अच्छा तो अब देखो जो कॉर्नर्स हैं उनको नाम दे दो, ए बी ये सी ये डी एस, ठीक है। जो सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है ना, कौन सी वाली लाइन है वो? ये हो जाती है तुम्हारे पास लाइन एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू सिक्स, ये हो गया लाइन वाई बराबर चार, ये हो गया सॉरी वाई बराबर एक्स बराबर चार, ये हो गया वाई इक्वल्स टू छ, ठीक। ये वाला पॉइंट कौन सा हो जाएगा? वैसे इस पॉइंट की अपने को ज़रूरत नहीं है। सी के जो कोऑर्डिनेट्स रहेंगे तुम कैसे ऑब्टेन कर सकते हो? वाई इक्वल्स टू अपने को निकालना पड़ेगा, एक्स इक्वल्स टू फोर अगर है तो वाई की वैल्यू टू आ जाएगी, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे तुम्हारे पास 4,2, ठीक। ऐसा कॉर्नर तो आ गए हैं सारे के सारे मेरे पास, फिजिबल रीजन बनता हुआ दिखाई दे रहा है तुमको? देखो एक्स इज़ लेस देन इक्वल टू फोर, यानी अपना जो रीजन रहेगा वो ये वाली चीज़ की बातचीत हो रही है, ठीक है क्या? ये वाला, अच्छा उसमें तुमको देखो ये चीज़ रफ में करके देखनी पड़ेगी, कौन रीजन कौन सा बन रहा है। वाई इज़ लेस देन इक्वल टू सिक्स, तो एक्स इज़ लेस देन इक्वल टू फोर में पॉइंट चेकिंग मेथड लगाओ। देखो यहाँ का कोई भी पॉइंट एक्स इज़ लेस देन इक्वल टू फोर को सेटिस्फाई करेगा, लेट्स से 2,0 अपन ने लगाया, तो 2 इज़ लेस देन इक्वल टू 4, तो ये वाला पॉइंट कंटेनिंग रीजन है, तो ये इस तरफ आ गया अपन, इस तरफ एक्स इज़ लेस देन इक्वल टू फोर में यहाँ पर जाओगे तुम, ये देख रहे हो ये पूरा। अब उसको रफ में करके देख लेना, मैं कैसा डायग्राम को ख़राब नहीं करना चाह रहा हूँ, ये वाला जो पूरा रीजन रहेगा वो समझे, वाई इज़ लेस देन इक्वल टू सिक्स मतलब ये वाला पूरा रीजन। चलो करके दिखा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, अलग अलग पेंस का प्रयोग करके रीजन तुम्हें दिखा देते हैं। ये हो गया एक्स इज लेस देन इक्वल टू फोर, ठीक। अच्छा अब देखो जो वाई इज लेस देन इक्वल टू सिक्स वाला जो काम है वो कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक, ऐसा कुछ। इसके बाद देखो जहाँ तुम्हारी बात आएगी
एक्स प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 6, तो उसमें देखो ओरिजिन कंटेनिंग रीजन है वो, तो वो कुछ ऐसा हो जाएगा, इस तरफ वाला जोन, इस तरफ वाला। तो अपने को फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही देखना है। क्यों फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखना है? ये वाला जोन फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसीलिए देखना है क्योंकि एक्स इज ग्रेटर देन 0 एंड वाई इज ग्रेटर देन 0, ये दोनों मिलकर ये इंश्योर करते हैं ना कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है अपना मसाला पूरा का पूरा। ठीक है, ये चीज़ क्या इंश्योर करती है कि अपना कहाँ पर है हम लोग, फिजिबल रीजन इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक ठीक है, अच्छा तो अब इन सारी चीज़ों को पहले हटा देते हैं फटाफट। उसमें जैसा कि तुमने देखा सारे रीजन्स का जो इंटरसेक्शन आ रहा था वो ये आ रहा था, ये चीज। ठीक है, ये अपना रहेगा फिजिबल रीजन। ठीक है, ऐसा ये सब का सारी इनइक्वालिटीज का इंटरसेक्शन, सारी रीजन्स का इंटरसेक्शन ये आ रहा था। ठीक है, अच्छा तो इसके कॉर्नर पॉइंट्स तुमने आइडेंटिफाई कर लिए बस, और फिर सारे कॉर्नर पॉइंट्स पर ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यूज़ निकाल लो, हो गया तुम्हारा सवाल सॉल्व हो गया। ठीक है, बस यही ड्रॉ करने का ही ये सवाल रहता है, फिजिबल रीजन ड्रॉ करो फट से, कॉर्नर पॉइंट्स पे वैल्यूज़ निकालो ऑब्जेक्टिव फंक्शन की, जहाँ पर ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो भी तुमसे पूछा है मिनिमम या मैक्सिमम जो आ रहा है उसका आंसर ठोक दो। रीजन्स तुम्हें सही तरीके से प्लॉट करने पड़ेंगे बस। ठीक है, इसमें और कुछ ऐसा नया नहीं है सच ऐड करने लायक। ठीक, अच्छा तो इसको लिखोगे कैसे? जहाँ तक मैंने अभी तक के लिखकर तुम्हें चीज़ें बताई है ना, वो वैसी का वैसी तुम भी वर्डिंग सकना, प्लॉटिंग द फिजिबल रीजन पहला तो ये, फिर देन उसके बाद टेबल बनाओगे, देन उसके बाद फिजिबल रीजन बनाओगे, यहाँ तक के तो सारा काम सेम रहेगा। देन उसके बाद क्या करना, ऐसे लिखना वर्टाइसिस या फिर लिखो कॉर्नर्स, जो वर्ड तुम्हें पसंद हो, ऑफ द फिजिबल रीजन। ठीक है, एक्स कॉमा वाई कौन कौन से हो जाएंगे भाई? ए हो जाता है ए बी सी डी। ठीक है, ए बी सी और हो जाता है टी। ठीक, सी किधर गया? 4.2 है, ठीक ये सारे पॉइंट्स हो जाते हैं। अब इसके बाद करोगे वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन जेड बराबर कितना है 11x प्लस 8y है ना, वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन एट दीस वर्टाइसेस। ठीक है, कितनी कितनी हो जाएगी देखो, z ऑफ a विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 11 टाइम्स 0 प्लस 8 टाइम्स 6 दैट विल बी इक्वल टू 48। ठीक, z of p that will be equal to 11 times 0 plus 8 times 0। ये इसी तरह से झंडू सवाल है, ये प्रोसीजरल। ठीक है, 11 times 4 plus 8 times 2 कितना हो जाता है 44 plus 16 that will give you 60। अच्छा फिर 11 times 0 plus 8 times 11 times 4 plus 8 times 0 ये चीज़ आ जाती है अपने पास 44। ठीक, अब इसमें देखो अपने को उसको मैक्सिमाइज़ करना है ना, 60 वाली वैल्यू किधर पर आ रही है मैक्सिमाइज़ करना है। ठीक है, 60 वाली वैल्यू देखो यहाँ पर,
जैसा कि तुम देख सकते हो कि सी पर मुझे मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है जेड की, देयरफॉर जेड इज मैक्सिमम फॉर एक्स इक्वल्स टू 4 एंड वाई इक्वल्स टू 2, ऐसा समझ गए। ऑल्सो द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड, ठीक, विल बी इक्वल टू जेड ऑफ सी विल बी इक्वल टू 60, ठीक, दिस इज अवर आंसर व्हेन एक्स इक्वल्स टू तो ये मेरा जो सवाल है वो सॉल्व हो जाता है वाया कॉर्नर पॉइंट मेथड, ठीक है। वही जो चीज़ें मैंने अभी तक के तुम्हें कहकर बताई उसको फिर मैंने एक सवाल के थ्रू करके दिखाया है, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं इसके बाद एक दूसरी तरह की मेथड पर जिसका नाम है आइसो प्रॉफिट या फिर आइसो कॉस्ट मेथड, ठीक। अगर मैक्सिमाइजेशन वाली सवाल होगा तो आइसो प्रॉफिट लाइन्स तुम एक्चुअली ड्रॉ करोगे, किस तरह से क्या है आइसो प्रॉफिट लाइन उसके बारे में बातचीत करेंगे। तो है तो मेथड वही सेम, बट उसी सेम मेथड को जब मैक्सिमाइजेशन के लिए यूज़ करते हैं तब तुम कहोगे आइसो प्रॉफिट मेथड, और जब मिनिमाइजेशन के लिए सॉल्व करोगे तब उसको कहोगे आइसो कॉस्ट मेथड, ठीक है। कॉस्ट को हमेशा मिनिमाइज़ किया जाता है, प्रॉफिट को हमेशा मैक्सिमाइज़ किया जाता है, इस तरह से तुम उसका नाम याद रख सकते हो। तो अब देखो होगा क्या, जैसे फिजिबल रीजन आ गया मेरे पास, तो उसमें मैं क्या करूँगा, आइसो प्रॉफिट या फिर मैं कहूँ आइसो कॉस्ट मेथड, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव फंक्शन की पहले एक वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो ऑब्टेन द फिजिबल रीजन, पहले तो ये आ गया, ठीक है भाई। अभी फिजिबल रीजन लेट से मेरे पास ऐसा कुछ है, ये ऐसा कुछ फिजिबल रीजन है मेरे पास मान लेते हैं, तो मैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन की एक पर्टिकुलर वैल्यू निकालूंगा। मुझे नहीं पता कि वो ऑप्टिमल वैल्यू है नहीं है, कोई भी एक रैंडम वैल्यू, मतलब कोई सा भी एक पॉइंट उठा लो x1, y1, ठीक है, और करस्पॉन्डिंग टू दैट पॉइंट तुम ऑब्जेक्टिव फंक्शन की एक वैल्यू निकालो। एक मिनट, अच्छा ठीक है, तो थोड़ी देर के लिए हम लोग पॉज लेते हैं, ठीक है, क्या मैं फिर कंटिन्यू करता हूँ उसको।